नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगी तुलसी के पत्तियों के गुणों की कहानी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पत्ते एक आयुर्वेदिक औषधि भी है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आयुर्वेद के नाम में शामिल किया गया है। तुलसी के पत्तों के साथ क्या नहीं करना चाहिए जिससे तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं, जानिए इस वीडियो के दौरान। तुलसी के पत्तों को संजीवनी बूटी कहा जाता है। कहा जाता है इन्हें गणेश भगवान को नहीं अर्पित किया जाता। ऐसा क्यों? भगवान विष्णु को ही तुलसी माँ के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि तुलसी के पत्ते गणेश भगवान को क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं। नंबर एक, तुलसी के पत्तों को चबाकर नहीं खाना चाहिए, उसे सीधे निगल लेना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि तुलसी के पत्तों में पारा धातु नामक एक तत्व होता है। यदि वह दांतों में लग जाता है तो उससे दांतों में कई तरह की बीमारियों का भी इससे दांतों में बहुत तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। नंबर दो, भगवान शिव पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि एक बार जलंधर नामक एक असुर था, जिसे भगवान विष्णु के कवच के कारण और उसकी पत्नी की पवित्रता के कारण अमर होने का वरदान मिला था। लेकिन उसका आतंक दिन पर दिन बढ़ता चला गया। फिर विष्णु भगवान ने और शिव भगवान ने उन्हें मारने की योजना बनाई, उसे मृत्यु दी। जलंधर की पत्नी को पता चलते ही कि उसका पति मर चुका है, उसने भगवान शिव को यह शाप दिया, तुलसी की पत्ती कभी भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाई जाएंगी। यह है वह कारण जिसके कारण भगवान शिव पर तुलसी की पत्तियां अर्पित नहीं की जाती। नंबर तीन, तुलसी के पत्ते कुछ खास दिन तोड़ने नहीं चाहिए, जैसे एकादशी, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। इन दिनों पर तुलसी माँ के पत्ते तोड़ने पर आपको शाप लगता है। अगर आपको तुलसी के पत्तों की आवश्यकता ना हो, आवश्यक तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे भी आपको शाप लगता है। नंबर चार, जहाँ तुलसी होती है वहाँ पर तुलसी माँ की कृपा बनी रहती है। दूसरा, अगर आप तुलसी माँ की पूजा प्रतिदिन करें तो इससे आपको स्वर्ग में जगह मिलती है। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जो कि तुलसी के पत्ते भगवान गणेश पर नहीं चढ़ाए जाते। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें।